पर आधा घंटे में आते थे हाथ धोने का। दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। जो शहीद दिवस शहीद हुए हैं भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी, इनकी आज साथियों की ओर से सैनिटाइजर निशुल्क वितरण का एक क्रांति और संघर्ष के प्रतीक, देशभक्ति के आदर्श, भारत माता के लाडले और हमारे दिलों में सदैव जिंदा रहने वाले शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी की पुण्यतिथि पर हम सभी नमन करते हैं और साथ ही नमन करते हैं उन लाखों क्रांतिकारियों और शहीदों को जिनके सर्वोच्च बलिदान के स्वरूप हमें आज़ादी मिली। आज के दिन आज उनका शहीदी दिवस है भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी का। संस्था ने और सभी देशवासियों ने ये प्रण लिया है, जिस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों से भारत को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार हम सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करके कोरोना से भारत को मुक्त कराएंगे। और उसी कड़ी में संस्था द्वारा सैनिटाइज़र जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। और कल से हम ये कार्यक्रम जो कच्ची बस्तियां हैं, जो लोग बाग खरीद नहीं पाते हैं सैनिटाइज़र या बाज़ार में थोड़ा मुश्किल हो रहा है मिलने का, तो संस्था द्वारा उनको निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। और साथ ही साथ में हम उस जी नाम विजय तत्वेदी, संस्था सदस्य शहीद भगत सिंह नौजवान सभा। आज जो हमारे साथी हैं, जो हमारी रक्षा में तत्पर हैं, नगर निगम के सफाई कर्मचारी और राजस्थान पुलिस और जो सेवारत जो फील्ड में सेवा दे रहे हैं, उनके लिए भगत सिंह नौजवान सभा ने आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है। आज सैनिटाइजेशन और मास्क वितरण का, जो खुले में ड्यूटी दे रहा है निश्चित तौर से उसके हाथ जीवाणुओं के संपर्क में आते हैं, तो आज हमने ये शुरुआत की है और ये कार्यक्रम सतत कार्यक्रम चलेगा। जिस तरह से बाज़ार में सैनिटाइज़र की कमी आ रखी है, तो नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मात्रा में सैनिटाइज़र बनाना शुरू किया है और कल से हम ऐसी बस्तियों में जाएंगे जहां सैनिटाइज़र लोग खरीद नहीं सकते हैं या जागरूकता की कमी है, और कल से सघन सैनिटाइज़र वितरण और शुरू किया जाएगा। और एक बड़े अभियान के रूप में, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको महामारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए और ठोस कदम उठाए, उसी प्रकार उनके कदम से कदम मिलाते हुए हमारी भगत सिंह नौजवान सभा इस और बड़ा काम करेगी। और कल से घरों में किसी के काम भी नहीं है कार्यकर्ताओं के, कार्यकर्ता घर घर बैठ के सैनिटाइज़र बनाएंगे और व्यापक रूप से इसका वितरण अभी से शुरू कर दिया है और कल से इसको और तेज गति दी जाएगी। आज हमने नरसिंहपुरा चौराहे पे नगर निगम वार्ड संख्या 3 और वार्ड संख्या 2 के कर्मचारियों को और राजस्थान पुलिस के कर्मचारी जो हमें राजस्थान में रास्ते में मिलते जा रहे हैं, उनको हमने ये बांटा है और कल से इसको और व्यापक किया जाएगा और बीट के हिसाब से कल से हम इनको बांटने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आँख, नाक और मुँह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।